हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि कल व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं आप सबको एक ओपन एयर थिएटर में लेकर जाने वाली हूँ, तो आगे व्लॉग में हम वही गए थे वहाँ। उस एरिया को अलजादा बोलते हैं, तो वहाँ का वो वीडियो है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उस एरिया में बहुत अच्छा किड्स प्ले एरिया है, स्केट रिंक है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल व्लॉग एब्रॉड को सब्सक्राइब कीजिए। व्लॉग्स पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं आगे व्लॉग की तरफ। ये एंट्रेंस है अलजादा का, कितना खूबसूरत है ना। और अभी हम जा रहे हैं नॉर्मल पार्किंग की तरफ, जहां से हम पार्क करके अलजादा पार्क और किड्स प्ले एरिया आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम ओपन एयर थिएटर में जाएंगे। ये है नॉर्मल पार्किंग का एरिया, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। ये जो बड़े से टेबल्स आपने देखे, ये बैठने के लिए है। मतलब इतना आर्टिस्टिक है ये पार्क, जहाँ बैठने के लिए भी इतनी आर्टिस्टिक चीजें बनाई हुई है इन लोगों ने। ये देखिए, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी बैठने और डाइनिंग के लिए है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, बहुत आर्टिस्टिक चीजें देखने को मिलती है और लगता है कि इंसान कितना बड़ा सोच सकता है। और ये देखिए, ये पूरा लॉन है और ये किड्स प्ले एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं और ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये भी बैठने की ही जगह उन्होंने बनाकर रखी है स्टेप्स में। कोई बोर नहीं हो मतलब बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सेफ्टी भी है, बच्चे लेकर आइए। ये जो सरफेस है यहाँ की जमीन, बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं है। अगर बच्चा गिरेगा भी तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी, मतलब सॉफ्ट है वो। तो ठंड है, वरना गर्मी के सीजन में बच्चे यहाँ पर आते हैं, पूरा भीगते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर घर जाते हैं। देखने में भी खूबसूरत है और बच्चों को भी बहुत मजा आता है यहाँ पर। और ये हम आ गए हैं फूड कोर्ट एरिया में। ये जितने भी सारे आपको बड़े बड़े बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं लाइटिंग के साथ बहुत खूबसूरत से, ये सारे ड्राइव थ्रू फूड जोन है। और ये सारे रिसाइकल किए गए हैं। जो कंटेनर्स आप देखते हैं ना ट्रक्स पे सामान लेकर जाते हैं, ये उन कंटेनर्स को डिज़ाइन करके यहाँ रखा गया है और इसके अंदर फूड कोर्ट्स हैं। यहाँ पर एक 100% वेगन फूड स्टॉल भी था, बट हमने जब देखा वो उस टाइम ऑफ था। ये जो कंटेनर्स इन्होंने कट करके फिर डिज़ाइन किए हैं, ये खुद में बहुत खूबसूरत हैं।
और ये मल्टी कुजीन है। ये देखिए ये कुछ वो बनाया था उन्होंने शायद कैप्रिकॉन का जो निशान होता है वो, और यहाँ पे चाइनीज आइटम भी था, जैपनीज कुजीन भी थी, सुशी। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं, देखिए ड्रम को रिस्टोर करके टेबल बनाया है और वो स्टूल्स बैठने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। शवरमा भी यहाँ मिलता है, फिर कावा था। इस जगह का एम्बियंस ही इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर कितनी भी देर आप स्पेंड करें बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत जगह है ये, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। लोकेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जो भी आप में से कोई विजिट करना चाहे विजिट कीजिएगा। और ये जो उन्होंने साथ साथ में कुछ मॉन्यूमेंट छोटे छोटे बनाए हुए हैं, ये बहुत क्यूट लगते हैं, इस एरिया की ब्यूटी को लाइक कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ग्रीनरी और रोड स्ट्रक्चर हर कुछ बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। पर वॉक करने आइए, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। कई लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं, साइकिलिंग करते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आप कई फ्रेंड्स को लेकर आइए, इंजॉय कीजिए। यहाँ पर एम्बियंस ही बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश है। ये है वो स्क्रीन जिस पे मूवी शो होती है, और ये सारी पार्किंग्स जिसमें गाड़ियां लगी हुई। यहाँ पे बहुत सारे फूड ट्रक्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कार में बैठ जाइए, अपना एसी चालू कर लीजिए और अपने कार के रेडियो को यहाँ की रेडियो फ्रिक्वेंसी से सेट करिए। और ये जो QR कोड आप देख रहे हैं ना, इसको स्कैन कीजिए अपने फ़ोन पर और आपको सारे फूड ट्रक्स के मेन्यू आपके फ़ोन पर दिखाई देंगे। तो आप उसके थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और वो जिस भी ट्रक से आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो लोग आकर आपकी कार में आपको डिलीवरी देकर देंगे। क्या सुविधा है। इसको मानते कुछ पाप्स ने, और यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं बराबर आपको गाइड करते हैं। इफ यू हैव अ हैचबैक वो आपको अलग एंगल पे आपकी गाड़ी लगवाएंगे, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो वो आपको अलग एंगल पर गाड़ी लगवाएंगे। हर गाड़ी वाले को स्क्रीन बिल्कुल क्लियर विजिबल होती है। और अब हम घर की तरफ लौट चले हैं, पर ये नज़ारा भी देखने लायक है। और आगे अलजादा का एक फाउंटेन आएगा, ये देखिए, इसको देखकर ही दिल खुश हो जाता है। होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगे। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मा सलामा।